Hi guys, Assalamualaikum. This is me, Uday Fakhan, and welcome back to my YouTube channel. तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज है घर में एक छोटी सी दावत, वो है आपी और मिनाल आपी, इमान आपी, इन सबकी दावत है आज घर में। मम्मा ने की है और जब दावत मम्मा करती हैं आपी की तो खास तौर पे उनके लिए बनती है बिरयानी, क्योंकि आपी को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी। तो वैसे तो मेरा मेन मकसद ये नहीं था कि बिरयानी वगैरह के, लेकिन मैंने सोचा आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं और अभी दो तीन काम है वो भी करेंगे साथ में, और अभी यहाँ सोच रहे तो मम्मा की बिरयानी दिखाते हैं, वो स्टार्ट कर दी उन्होंने बनाना। भाई आज मम्मा बना रही हैं बड़े मज़े के खाने, जिसमें से एक बिरयानी, दूसरा मुझे नहीं पता क्या है, दो ही चीज़ें बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? दूसरा बिरयानी है ना, सब पूछते हैं रेसिपी बिरयानी की, सबकी अपनी अपनी होती है बिरयानी की। तो खैर मम्मा घर के मसाले की बनाती हैं, घर का मसाला है सारा, ये घर का मसाला है, थोड़ा सा डाल दूँ शाम कर थोड़ा सा। अच्छा तो इसमें हंस क्यों रही है चुप चुप क्या? अच्छा तो भाई मम्मा यार बीफ की बनाती ना, बीफ बनानी थी बिरयानी आपके लिए बन रहा है ना ये। अच्छा हाँ, आप ही वगैरह बीफ पर वो चिकन वाली हैं, और इससे हम जो घर के तीन अफराद हैं ना, मैं, हमाद और माज, हम तीनों सिर्फ बीफ मटन खिला दो, मैं कच्चा भी खा लेंगे, हम इस तरह का खाते हैं। मम्मा तो उस बस ये क्या बना रही है? हाँ, ओहो मतलब तीन खाने बन रहे हैं टोटल, और तीसरा क्या है? एक चाइनीज, मतलब एक तरीके से प्रॉपर बिरयानी वो लग रही है दावत मम्मा आज तो भाई। मेरी बच्ची आ रही है ना। हाँ वो बच्ची की फरमाइश होती है खास तौर पे कि बिरयानी बननी चाहिए, बल्कि मम्मा पहले पूछ रहे थे कि क्या बना रहे हैं, आज दोनों ने बोल दिया ओके स्टू बिरयानी और क्या बना रहे हैं। तो भाई अभी तो खाना वाना बनना शुरू हुआ है, मम्मा मेरी भी बना दें मटन के अंदर, नहीं नहीं मटन में कुछ बना दें अच्छा सा, मटन कढ़ाई नहीं, हमारी फरमाइश नहीं आज, आज हमारी फरमाइश बाद में होगी, अभी खाना वाना बनना शुरू हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ इतना में जो एक छोटा सा काम है वो ये है, ब्रेड बनवानी है मुझे, बहुत ज़्यादा मुल्ला मुल्ला सा लग रहा हूँ आज तो मैं बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं थोड़ी सी ब्रेड वगैरह बनवाने के लिए, बाल नहीं कटवा रहा क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि उसके अलावा मैं कटवाता नहीं किसी से, तो अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेड बनाने। अभी ना बाइक है ना गाड़ी है तो मैं अभी जा नहीं सकता, थोड़ी देर में जाएंगे, नानी का वेट कर रहा हूँ, नानी के कब से नमाज़ पढ़ रही है, नमाज़ पढ़ेंगे तो नानी से बहुत सारी बातें करनी है मैंने, क्योंकि कब से हम दोनों बैठे हुए कर ही रहते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अबे नहीं अच्छा ही लग रहा है यार, बहुत ही हार्ड हो गया भाई, मेहनत करके आ रहा है लड़का, पढ़ पढ़ा के यूनिवर्सिटी से इस टाइम 5 बजे आया है यार, कोई बात नहीं, सुबह 8 बजे जिसने मुझे उठाया था इसकी वजह से मैं सुबह 8 बजे से ही उठा हूँ, मैं भी नहीं सोया हूँ, कोई बात नहीं, हम दोनों ने बड़ी मेहनत की, मैंने लेट के किए तूने पढ़ के किए, छोड़ दे भाई ये भी करके। तो भाई अभी बाइक वाइक आया तो मैं जाऊँ थोड़ी बेड वगैरह सेट करवाने के लिए, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी, नानी भी नमाज़ पढ़ी, नानी से काफ़ी देर से बातें कर रहा था, तो नानी कहती है कि व्लॉग बनाओ व्लॉग, नानी अभी नमाज पढ़ लें फिर बनाते हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम नानू, कैसी हैं आप? लड्डू खा रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र, लड्डू खा रही हैं? हाँ अरे आपके साथ तो बैठने के लिए कुर्सी लगाना पड़ेगी नानी, कुर्सी पे बातें करेंगे ना, बातें करनी थी ना आपने, खिलाओ लड्डू, खिला दें मेरे बच्चा प्यार से, लड्डू खा मेरे हाथ से तो मजे का ना, मिनाल नहीं नानी ये तो कलाकंद लग रही है मुझे, है कलाक नहीं नानी देखा ही नहीं दिया आपने मुझे, कला का नहीं खिला दी लड्डू बोल गया, नानी अब लड्डू आप खाएं, मैं खिलाऊं, मैं खिलाऊं आपको थोड़ा सा नानी को लड्डू खिला दिया। तो भाई नानी इस बार पूरे प्लान से आई है यहाँ पे कि हमने बैगन बनाने, दोनों ने मिल गए नानी और मैंने बैगन बनाने, और उसका हमने ब्लॉग बनाना है बहुत अच्छा सा। तो भाई नानी मुझे जब से आई है तब से कह रही है कि ब्लॉग नहीं बना रहे, ब्लॉग नहीं बना रहे, ब्लॉग नहीं बना रहे, है नानी जी? हाँ। कैसी है आपकी तबीयत, कैसी है? अल्लाह का शुक्र। नानी बहुत याद कर रहे थे लोग आपको, हाँ वो अंकल भी याद कर रहे थे आपकी पहली मोहब्बत, कौन आपकी पहली मोहब्बत? नानी नानी कह रही कौन सी मोहब्बत आ गई मेरी, जो एक मोहब्बत, अच्छा जो एक मोहब्बत थी उससे तो नानी, उनसे तो नानी ने शादी कर ली थी, मोहब्बत नहीं की थी, मोहब्बत नहीं की थी नहीं। फिर
हम लोग पहले ना बेटा देखते भी नहीं थे ऐसे शादी होती। देख लो सुधर दो सारे सारे पता भी नहीं होता ना किससे शादी हुई। नानी के साथ हमने बनाना है कल ब्लॉग, ठीक है? क्योंकि आज जब हम खाना बन रहा था घर पे तो नानी कहती है अरे यार आज भी नहीं बना सकते ब्लॉग। हाँ। क्यों कही अभी तो दावत का खाना बन रहा है। मैंने चले नानी कोई बात नहीं कल बनाएंगे। नानी क्योंकि बैगन जो ना नानी के बहुत तारीफ कर दी लोगों ने जब नानी कहती है भाई कल नानी के साथ हम बनाएंगे बहुत अच्छा सा ब्लॉग, ठीक है? तो बस अभी चलते हैं बेड बनवाने कराते हैं सिवा देते हैं कैसे। अभी मैं पहुंच गया हूं बस पेट बनवानी है। काफ़ी टाइम बाद मैं वापस इनके पास आया हूं। लास्ट टाइम मैं तकरीबन 4 महीने पहले आया था, आज फिर बनवाने आया हूं क्योंकि बेड का खेल ही ऐसा है कि अगर कहीं से ख़राब हो जाए तो फिर तो अब गए। एक लास्ट टाइम इसने मुझे क्लीन शेव किया था और मैं इसको बोला था कि लाइट कर दो लाइट कर दो, इसने मुझे क्लीन शेव कर दिया और उसके बाद मैं आ जाऊँ तो बस बनवाते हैं फिर देखते हैं कैसे। ऑलमोस्ट डन हो गया और अच्छी बनी है, पेड हो गई मेरी डन और बड़ी अच्छी बनी है ये क्योंकि शक्ल भी निकल के आ गई है। बहुत दिनों से काफ़ी बड़ी दाढ़ी हुई हुई थी और मैं सोच रहा था कब से बनाने के लिए। तो बस अब चलते हैं घर और सबसे मज़े की बात ये है कि बाहर नमाज हो रही है और नमाज में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बचा है मगरिब का, तो बस नमाज पढ़ते हैं यहीं पर ही और फिर निकलते हैं घर। 1 2 3 4 खुले आम गोलियाँ चल रही हैं भाई यहाँ पे, लोग तुम्हारे तो पटाखे फुस हो गए, आपके तो पटाखे बस हो गए। भाई घर आया तो ये चल भाई, अभी घर आया हूँ वापस और यहाँ पे ऑलमोस्ट खाना सारा बन चुका है, इतनी जल्दी मैंने बना लिया है। ये मम्मा की बिरयानी, माँ ऐसी दिखाती रहेंगी बताएंगी कब कि किस तरह बनानी है। और यहाँ पे मेरी सारा क्या हाल है, आई एम गुड, आप बताओ। हाँ ये है लेकिन हर किसी की अपनी अलग होती है, मम्मा की स्पेशलिस्ट बिरयानी है मम्मा वाली ना। अभी तो बोली थी अभी तो कह रही थी कि हानिया पे की फरमाइश है। ओके तो भाई ये ऑलमोस्ट बिरयानी हमारी बन चुकी है क्योंकि शक्ल से बहुत मजे की लग रही है। और ये मम्मा का क्या है, पास्ता में कौन? ओहो सारे तो तुम्हारे टाइप के खाने बन रहे हैं सारे मजे। अरे पास्ता तो दिखाएं से हम लोग मैक्रोनी सॉरी तो बंद कर दो यार। आप पास्ता देखो ओए होए मम्मा क्या मजे का लग रहा है, चीजी पास्ता है देखा? भाई शेफ बन मम्मा, आप तो शेफ का चैनल खोल दें अपना भाई हमारा बिरयानी भी, वो हमारा पास्ता भी रेडी हो गया, बिरयानी भी रेडी हो गई, ये भी रेडी हो गए और बस रोटियां बननी है। तो उसके बाद हमारा सालन भी मेरे ख्याल से डन हो चुका है, स्टू बनाया हुआ नहीं है आज। ओए होए मुख्तियार के हाथ की रोटियां सबसे मजे की। अभी तो अम्मा को अफसोस है, मुख्तियार एक महीने के लिए जा रही है, अम्मा कह रही है कि रोटी कौन बनाएगा रोटी कौन खिलाएगा। क्या खा रही हो तुम? हाँ भाई वो तुम खा रही हूँ खा रहा हूँ ये हमारा मोटा मोटू तो और करीब से लिए मेरा मुंह और बड़ा है हमारा पांडा सबसे बुरे शॉट्स लेता है ये। अरे 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 सॉरी 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 बताना भूल गया भाई, सारा सब्सक्राइब तो करवा दो। अरे हाँ प्लीज, ये तो इजाफा करवाएगा। बोलो भाई मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, मेरा चैनल भी प्लीज सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है तुम्हारा चैनल है, मैं तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई आज सारा का चैनल भी सब्सक्राइब कर लिएगा, ये भी बन गया। oh, wow. ओहो so delicious. आज तो फुल दावत वाला सीन हो गया अम्मा, लेकिन था नहीं हमारा बन गया आज दावत का सीन, सिर्फ ये था कि आज आप ही आ रही हैं खाना बनेगा बिरयानी, लेकिन अम्मा ने 3-4 चीज़ें बना दी क्योंकि एक एक की फरमाइश पर तीनों चीज़ चारों चीज़ें बन चुकी हैं। भाई भी आ चुका है, अम्मा मेरे ख्याल से जिम चला गया, वो हमारे साथ नहीं होगा तो बस सब चलते हैं। तो भाई ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जो कि दावत का था, वो भी मैं पूरी दावत दिखा नहीं सका फॉर सम रीज़न। तो बस आज का ब्लॉग करते हैं यही खत्म। अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। और मैंने आज भी इसलिए बना लिया कि मैंने सोचा कि स्ट्रीक ना टूटे क्योंकि आजकल चल रही है मैं डेली ब्लॉगिंग। तो बस कल मिलते हैं इंशाल्लाह नानी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि नानी के साथ तो मुझे लाजमी बनाना है वरना नानी के बैगन खराब हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह।